मध्य प्रदेश में आज बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर भी है ये, बीजेपी ने राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही बताया है। देश को अपमानित करने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। वहीं पीएम मोदी पर विवादित बयान का हवाला दिया और अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी थाने पहुंच गई। रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर डीएनए नेताओं के दिए बयान से भड़की कांग्रेस ने कल देश भर में प्रदर्शन किया। बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग की, पुतले फूके गए, नारेबाजी की गई, खूब बयानबाजियां हुई। तो आज बीजेपी की बारी थी। बीजेपी ने मुद्दा उठाया अमेरिका में दिए राहुल गांधी के बयान का और पीएम मोदी पर की गई विवादित टिप्पणी का। फिर पहुंच गए एफआईआर दर्ज कराने। एमपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और खजुराहो सांसद एफआईआर दर्ज कराने भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचे, राहुल के खिलाफ एफआईआर का आवेदन दिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। वीडी शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी करनी देशद्रोही की श्रेणी में आती है। उन्होंने भारत का अपमान किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है। आज पूरे प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, सुनिए। उन पर लगातार इस प्रकार के प्रहार उन्होंने किए। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को पत्र लिखा है और लिख करके याद दिलाया है कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी ने 100 बार, एक बार नहीं, 100 बार अपमान किया है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। राहुल गांधी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करा के मांग की है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर की जाए। इधर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी वीडी शर्मा पर वार करते हुए कहा, गांधी परिवार की याद दिलाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद आपत्तिजनक और विवादित बयान देते हैं। उन्हें अपने बयानों को पहले सोचना, समझना और फिर बोलना चाहिए। ऐसा है कि अच्छा है वो हमारे पद चिन्हों पे चल रहे हैं, पर उनको बताना पड़ेगा देश को कि सत्ता आपकी है। आपको बताना पड़ेगा प्रदेश को कि मौलिक अधिकार है इस देश में। आपको बताना पड़ेगा कि बोलने की आजादी है। एफआईआर कराएंगे और एफआईआर की बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चले। दरअसल बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं और यहाँ की परंपराओं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विवादित बोल बोलते हैं, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी ओर बीजेपी की एफआईआर पर तलवार खींची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, श्याम सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का फोकस है कि हम अपनी इमेज क्लियर कर लें, जनता के बीच पहुंचे और उस बीच राहुल गांधी पर अब बीजेपी एफआईआर दर्ज कराने जा रही है। हर प्रदेश में ये हो रहा है, कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है ये कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए? देखिए, वाकई में बीजेपी ने रणनीति बनाई है। रणनीति इस बात को लेकर बनाई है क्यों ना कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है यानी राहुल गांधी है, उन पर सवाल खड़े किए जाए और उनको घेरा जाए। अभी तक हमने ये देखा कि देश में राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी को मुद्देगत रूप से अलग अलग मामलों में घेरा जाए, लेकिन अब हमलावर बीजेपी है। बीजेपी ने देखिए बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से ये निकाला कि 100 बार संवैधानिक पद पर बैठे हैं मोदी, इस देश के मुखिया हैं, पीएम हैं और उनको 100 बार भला बुरा कहा गया, अशोभनीय टिप्पणियां की गई, तो ये रणनीति अब आगे और भी हमलावर रहने वाली है। साथ साथ में ये भी हम देखेंगे कि अब अलग अलग प्रदेशों में भाजपा अपने हिसाब से कांग्रेस को घेरेगी ताकि कांग्रेस खुद सिमट जाए, कांग्रेस खुद बचाव की मुद्रा में आ जाए, कांग्रेस को खुद उस तरह के बयान देने पड़े जिससे बाद में और उलझती चली जाए। चलिए, अब देखने वाली बात होगी किस पर और कितनी राजनीति भी होती है। तमाम जानकारी के लिए श्याम, शुक्रिया आपका।